आप मेरे ऑफिस आ जाइए। बड़ी मेहरबानी सर, जी सर। बाकी ख्याल करें, बाइक सही कराए अपने खुदा ने। बिल्कुल बिल्कुल आपको, तो और ये बाइक सही करा लीजिए। नहीं नहीं सर जी, कोई मसला नहीं है। सलाम अलैकुम। तो यार ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया के अंदर यार, अल्लाह ताला भला करे ऐसे लोगों को। लेकिन तुम्हें पता है लड़कों की किस्मत ना एक चीज में बहुत खराब होती है। जैसे कि मोहब्बत बुरे वक्त में भी साथ देके निभाते हैं। खैर एक बात बोलूं, ताकि अब तुम जब टाइम मिले तो भी बनवा लेना इसको। मैं थोड़ा स्लो स्लो चला रहा था तो एक जबरदस्त मुझे काट दिया। लेकिन आपको वो कह रहा था कि कभी भी कोई जिंदगी में तुम्हें जरूरत पड़े मेरी कोई जरूरत होगी इंशाल्लाह। आपने मैंने तो बहुत मना किया था लेकिन बस आपको यही मिले थे? हाँ हाँ यही थे, उन्होंने खुद दिया है कार्ड, अपने वॉलेट से निकाल के दिया था। अब मैं चाय लेकर आती हूँ। उमर का कार्ड है, दुनिया कितनी गोल है। मैंने सोचा भी नहीं था कि उमर से कभी मुलाकात हो पाएगी और आज उनकी उम्र से मुलाकात हुई है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतने ज़्यादा कामयाब हो गए, इतने बड़े इंसान बन गए। मैं कभी इनसे मिलना तो नहीं चाहूँगी पर हमेशा दुआ करूँगी कि और कामयाबी दें, खुश रहें। और जवाब, तेरे गांव का मसला हल हो गया? हाँ यार बस क्या बताऊँ, हल हो गया है तकरीबन। तू बता, अंकल आ गए मैंने सुने? हाँ पापा आ गए, और इनफैक्ट मैंने पापा को सारी बातें बता दी। अच्छा। पापा ये बात सुन के बहुत गुस्से में आ गए थे, तो फिर वो उमर के ऑफिस गए और उमर को फाइनल वार्निंग दे दी है, अगर उमर अब नहीं माना ना तो उसकी अम्मी को किडनैप कर लेंगे। यार तू क्या पागल हो गया, घर वालों पर कोई जा रहा है तेरे दुश्मनी उमर से, उमर से जाके बदला ले तू? जवाब तो मेरा दोस्त है ये उमर का। यार मैं तेरा दोस्त हूँ, अब तू मुझे पता करना क्या है। यार उमर के जितने भी लॉयल एम्प्लॉयज है ना, ईमानदार, उन सबको खरीदना है। तो फारूक मुझे ये बता, उसके एम्प्लॉय खरीदने से हमें क्या फायदा होगा? जवाब फायदा ही फायदा है, कुछ कैसे? कैसे जवाब, जब सामने वाले के लॉयल एम्प्लॉयज आपके लिए काम करें ना, तो सामने वाले की बर्बादी और आपका फायदा है। यार फारूक मेरी नॉलेज के मुताबिक ना, उसके बंदे बिकने वाले नहीं है। बिकने वाले नहीं है? हाँ यार बिकता सब कुछ है, खाली पैसा फेंक और तमाशा देख। चल फारूक को तैयारी कर, उमर के दोनों खास बंदे को खरीद लीजिए। एक मिनट, तू कैसे जानता है? फारूक तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरी भी हर चीज पर नजर है। चल आ जाओ। लव यू यार। लव यू टू। अरे वाह चाय आ गई। अरे चाय पी लो। क्या हो गया, तुम तो कार्ड में गुम हो गई, कोई खास बात है क्या इसमें? नहीं नहीं वो एक्चुअली पढ़ रही थी मैं। तो क्या आप जानती हो इन्हें? नहीं एक्चुअली इनको कौन नहीं जानता, ये तो उमर अहमद एसोसिएट है और ये तो ऑनर है ना इस कंपनी के। हाँ हाँ ऑनर और बिल्डर्स में तो इनका बहुत ज्यादा नाम है। अच्छा आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता इनका। इनके तो बहुत ऑफिसेज है पाकिस्तान में भी और कराची में तो सबसे ज्यादा। मैं लग भी रहा था जिस तरह मैंने देखा ना, वो इतनी बड़ी गाड़ी में वो आए थे, लेकिन इतना बड़ा आदमी खुद से उतर कर जो है इतना हालचाल पूछे और इतनी सपोर्टिव हो, मैं फर्स्ट टाइम में बड़ा इंप्रेस हुआ भाई। तो बहुत सुना है इनके बारे में कि ये बहुत काइंड पर्सन है, लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। सही है भाई, जब भी तो दुनिया चल रही है, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अल्लाह ने अच्छे लोग भी दिए हैं। और कोई बात नहीं है आपकी? नहीं नहीं बिल्कुल, देर हो रही थी ऑफिस के लिए। हाँ मैं पहुँच गया हूँ साइड पे बस। साइट पे पहुंच गया हूं मैं। हाँ दोपहर वो जो साइट थी ना विजिट करनी थी, उसे विजिट कर लिया है मैंने, तो मुझे साइट समझ में आ गई। तो मैं काम को भी अभी खराब होना था, इसको डील डन कर दो। एक मिनट उतरे आप जरा, अरेंज कर लो। ठीक है क्या मसला है इसका? ठीक है ठीक है कोई इशू।
अस्सलाम वालेकुम सर। आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए आप? कोई गलती हुई सर। टाइमिंग देखी है आपने? थोड़ा सा। आज कौन सा भान है? कुछ पत्थर उत्थर रास्ते में पड़े हुए थे, मैं बाइक पे आ रहा था तो मुझे फौरन ज़हन में आया खुदा ना खास। ऑफिस आ रहे थे किसी ठेले पे आ रहे थे आप सर? वो जो पत्थर वत्थर आ रहे थे रास्ते में सर वो फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर। डेली का कोई नया भान है आपका? नहीं सर, वो इतना डेंजर था खुदा ना खास, कोई बाइक बाइक वाला अगर गिर जाता कुछ हो जाता तो मैं साइड पे कर दूँ, तो उस चक्कर में थोड़ा सा 5 मिनट। 5 मिनट? एक दिन, दो दिन, 3 दिन? सर सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा आप सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप मेरे को ठेला समझा हुआ, आप ठेले पे काम कर रहे हैं? कहाँ काम कर रहे हैं आप? सॉरी सर। आप यहाँ बैठे हुए क्यों हैं? आपको तो मेरे चैम्बर में बैठना चाहिए। नहीं सर सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं कर रहा। आप माफ करें मुझे, अब अपनी नेकियां निभाए जाए। इतने अरसे से मैं सब काम कर रहा हूँ तो इतने अरसे से मैं आपको बर्दाश्त भी कर रहा हूँ, अब नहीं कर सकता आपको बर्दाश्त? सर नहीं होगा सर, नेक्स्ट टाइम। आप जाएं और अपनी नेकियां निभाएं जाके, आप कल से मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, आप मेरी तरफ से आप फारिग हैं। क्या नई मुसीबत आ गई यार, ऐसे आजकल नौकरियां नहीं है और ये नौकरी भी गई। मुझे लग रहा था ये मेरी जो नेक है किसी दिन मुझे लेट डूबेंगी। बिजली का बिल, घर का किराया, मुझे आयशा भी तो आयशा तक के वादे किए थे मैंने यार, कैसे पूरे करूंगा मैं आप? ओह क्या होगा यार, कसम यार यहाँ पे सामान। आप कब आए ऑफिस से? आपने आवाज भी नहीं दी मुझे। साहब ये भी आया हूँ सर। क्या हुआ, सब खैरियत है? खैरियत तो जॉब थी लगी बंदी, वो भी यहाँ से चली गई। थी मतलब कैसे चली गई? बस नेकी करने के चक्कर में जो है ना, मुझे लग रहा था किसी ने ये नेकी मुझे लेट हो गई, भलाई करो। ऐसे नहीं बोले, हुआ क्या बताएं तो कुछ। अरे मैं वही लेट हो जाता था अक्सर ऑफिस जाने में तो आज तो आप टाइम पे निकले थे। मैं निकला था, फिर रास्ते में एक मसला आ गया था, बाइक अलग इशू कर रही थी और रास्ते में कुछ था मसला, जो मैंने कहा पहले सॉल्व कर दूं किसी की परेशानी ना हो किसी को, तो लेट हुआ हूँ। अब बहुत इस चीज़ को नोट कर रहे थे कि ये आए दिन लेट आ रहा है आ रहा है, तो आज उन्होंने कह दिया कल से आने की जरूरत नहीं है। आप उनसे बात तो करते एक बार? अरे मैंने तो 2-3 दफ़ा बोला उनको, मैं हाथ पांव जोड़ने वाली बात रह गई, बस वो सुनने को तैयार ही नहीं है। पता कब से वो तपे पे बैठे हुए थे कि उनको बस मौका मिलना था, तो मिल गया उनको मौका। आज ही आपको लेट भी होना था, आज आप ना मुझे परेशानी बस। अब ये ना तुम्हारे से भी चंद वादे किए थे मैंने कि शॉपिंग भी करानी थी, अगर रमजान भी आ रहे हैं तब कैसे होगा। कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, अभी इतनी टेंशन नहीं लें।